गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो शिक्षाएं हैं जो आज पूरे विश्व में मानी जा रही हैं, और शायद वो शिक्षाएं और किसी ने नहीं दी पूरे संसार में। अगर हम देखें करुणा, मैत्री, प्रेम, ये जो भावनाएं हैं एक दूसरे आदमी के प्रति, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन काइंड, ये चीज़ें नहीं मिली। जब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे धर्म इस देश में हैं और उन धर्मों का जब हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं तो मैं ये पाता हूँ कि धर्म तो एक बेकार की चीज़ है। बुद्ध ने जो मार्ग बताया था वो एक धर्म से भी ऊपर था, वो धम्म का मार्ग जी। वो धम्म में कोई पूजा पाठ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है, कोई भी उसमें अंधविश्वास नहीं है, चमत्कार नहीं है, नैतिकता को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। ये चीज़ें शायद ही किसी और धर्म में मिलने को मिलेंगी। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दूत हूँ, मैं भगवान का पुजारी हूँ, कभी नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरे धर्मों से अलग हैं हमारे बुद्ध धर्म। और ये यही नहीं, बड़े बड़े विद्वान जो साइंटिस्ट हुए हैं, वैज्ञानिक लोग हुए हैं, उन्होंने भी बोला है। जैसे आइंस्टीन का उदाहरण आपको दूंगा, आइंस्टीन तो विश्वविख्यात वैज्ञानिक, उन्होंने बोला है कि संसार में अगर कोई भी धर्म टिकने वाला है और है चलने वाला है आगे भी, तो वो बुद्ध धर्म ही है। क्योंकि इसमें साइंटिफिक और व्यवहारिकता दोनों, वैज्ञानिक सोच और व्यवहारिक सोच का जो मिश्रण किया है, जो चीज होता है, वो किसी में भी नहीं है। बर्ट्रैंड रसेल का मैं आपको उदाहरण दूँ, उन्होंने भी यही बोला है कि व्यवहारिकता और धम्म का जो तालमेल, जो मिश्रण इसमें मिलता है, वो कहीं भी नहीं है। कहने का मेरा मतलब है कि हमारे इस देश में जो इस देश में इसका जन्म हुआ बुद्धिज्म का, वो लोग जानते नहीं हैं। आज मुझे ताज्जुब हो रहा है, 33 साल इस ऑर्गेनाइजेशन को हो गए, ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, यंग मैन बुद्धिस्ट एसोसिएशन जी। मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 35 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और अभी भी लोगों को नहीं मालूम कि इसमें क्या है जी। जब लोगों को मालूम ये बताना चाहिए कि यहाँ बुद्ध की अस्थियाँ हैं। कोई भी किसी तरह का कोई इस तरह का प्रचार प्रसार का साधन के पास उपलब्ध नहीं है। वैसे देखो तो कभी छठ का पर्व है, कभी करवा चौथ है, कभी दिवाली, कभी होली, अलग सना की चीज़ें हैं, वो सब बड़े बड़े ऊँचे स्क्रीन पर हैं। रात और दिन पेपर, चैनल, ये पता नहीं थकते नहीं है। लेकिन बुद्ध के बारे में जो यहीं का जन्म हुआ, जिसको पूरा विश्व मानता है, विश्वगुरु है, पूरे विश्व में इसका कहना चाहिए मुझे कि करीब करीब 52 ऐसे कंट्री हैं इस संसार में जो बुद्ध में कंट्री है, जो प्रोग्रेसिव है, जापान, रशिया, अस्का, चीन, ये बहुत से अच्छे अच्छे कंट्री हैं जो बहुत आगे बढ़ गए। हमारे यहाँ पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे देश की जो सरकार है, कोई भी पार्टियों में किसी पार्टी से बात नहीं करता जी। मैं गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने आज तक ये नहीं सोचा कि बुद्ध का प्रचार प्रसार किया जाए। जब देखो बाहर फॉरेन में जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आके अपना वही पुरातनपंथी बात है, हिंदू धर्म की बात है, हिंदुत्व की बात है, बुद्धत्व की बात है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मुझे तो ताज्जुब हो रहा, जिस बुद्धत्व से, जिस बुद्धिज्म से पूरे संसार का कल्याण है, उसका नाम ही लेने वाला कोई नहीं है। देखिए आज इतना बड़ा पर्व है, लोगों को मालूम नहीं है, लोग अपने घर से भी नहीं निकलते, लोगों को पता ही नहीं है क्या है, क्योंकि इसकी उतनी जो एक पब्लिसिटी होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक आम नागरिक नहीं है, इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी देश के जो सरकारी मशीनरी है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि एक तरफ बुद्ध का नाम लेते हैं, बुद्ध पूरे संसार में माना जा रहा है, तो उसकी बातें, उसकी शिक्षाओं से चले। इसके लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि जब सरकार नहीं कर रही तो वो कुछ अपने आप करें, अपने आप निकल के आए, बुद्ध के बारे में थोड़ा सोचें, पढ़ें, लिखें, लोगों को बताएं कि हर बुद्धिस्ट का कर्म है। लेकिन आज बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं उनको भी पता नहीं, वो भी अपने घरों में आराम कर रहे हैं। ये उनका ड्यूटी बनती है कि अगर सरकार नहीं कर रही है तो वो ही काम करें, उनके ऊपर आज पूरे का पूरा दारोमदार है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब आप दूसरों पर, दूसरों के सहारे रहना छोड़ दें। अत्यदीप भव जो बोला है जी, वो बहुत सही बोला है।
इसीलिए भाईचारे का मार्ग, प्रेम का मार्ग पर अपनाने के लिए इस देश को आप आगे बढ़वाएं। ये मेरी आपके तरफ से।